जी सब नए और सब ठीक हो। भगवान से यही उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो। वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर दबंग कुणबा ब्लॉग में। और हम खेत में आए हुए हैं, बड़ा बहुत ज़्यादा धूप भी है और बहुत ज़्यादा, देखो बहुत ज़्यादा धूप है और मैं खड़ी हूँ छाँव में। बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बड़ा मज़ा आनंद आ रहा है बिल्कुल। और हम अपने खेत में आए हुए हैं आज कुछ लकड़ी वगैरह इकट्ठी करने। और देखो मैं आज दिखाती हूँ अपना खेत। ये हमारे खेत खाली पड़े हैं, पानी से, पानी ज़्यादा आने, ज़्यादा पानी होने से कुछ नहीं होता खेतों में। अब की बार फिर सूखा है, लास्ट में सूखा होगा। स्टार्टिंग में बाजरा भी बो रखा था, ज्वार भी बो रखी थी, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हुए पानी ज़्यादा आ गया, चौवा चढ़ गया। और देखो हम खेत कमा रहे हैं, लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, बाड़ कर रखी थी उस सब की। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सब्जी रोटी की तैयारी है। और जसवीर जी ऐसे हैं, उसको 5 मिनट भी लेट हो जाए ना, हाई रोटी हाई रोटी हाई रोटी पूरा घर में सिर बैठा देते हैं। और चूल्हे की रोटी और नीचे उसके लिए स्पेशल लाकड़ी लेकर आए हैं, उन लेकर आई हूँ और 3-4 दिन हो गए लेकर आती ना। हाँ चूल्हे की रोटी होगी इसलिए ये चंडीगढ़ जाए तो हम तो गैस पर बना लेते हैं अपना छोटा। अब तो चूल्हे की खान है, चूल्हे की बनानी पड़ेगी। अरे कहने वाले हैं हाय रोटी हाय रोटी उसको टाइम टू टाइम पसंद आता है खाना, खाना भी सोना भी बस सही है टाइम से। कल लेट होगी तो पता नहीं, परसों लेट होगी, परसों होगी थी, कल थी शायद, कह रहे थे हाय रोटी हाय रोटी, गीत बना दिया बाहर से उसे मारने लगे थे अंदर तक। और भी बच्चे भी ऐसे ही हैं, अपने पापा के साथ बैठ के खा लेंगे, सारे चूल्हे पे बनाऊंगी, सारे एक साथ बैठ के सब खा लेंगे। ये बात नहीं देखनी पड़ती है, उस बुरे रहे अभी उसकी बात है, अभी उसकी बात। नमक लेकर आए थे आज, अच्छा लेकर सामान लेकर आए तू, मैं तो ये सोची क्या है मम्मी लेकर है ना एक ही तय। किचन का सामान लाए थे आज, इसको जस्ट कर दी थी सरेश मम्मी को, नमक भी नहीं रह रहा था आज। देखो रोटी बनाऊंगी, आ जाओ सबका खाओ खाना बनाया बनाया, देखो क्या बुला लो हमने और क्या आप खा जाओ सभी बनी बनाई रोटी, सबके लिए खाना रेडी है बिल्कुल। और चूल्हे का खाना ये तो मजा ही न्यारा है बिल्कुल, बहुत मजा आता है अभी चूल्हे की रोटी खाने में। हकीकत में दादी पोती और भी अच्छी लाते हुए थे, मैंने तो बहुत स्वाद लग गया था, पर इन्हें अच्छी नहीं लग रहा था ये खाने में, थी मैंने बहुत अच्छी लग रही थी दादी की आती होती। ये है बूरा, ये है चावल, चावल भी डाल देती हूँ अभी तो लग रही है, और बूरा भी डाल देती हूँ। डालने तो सही, वो तो मैं ही डाले, मम्मी नहीं डाला कर रही थी, ऐसा काम नहीं करती मम्मी, मम्मी तो होता ही नहीं, तो पसंद नहीं करना नहीं करती ये सब डालना काटना ना रह रहा है ना रह रहा, मैं बता दी कि ना रह रहा डेली है ये पर नहीं डालना को ना कि मैं ठंड गिर दी डालनी नहीं आई ढंग से डेली के लिए
दोबारा पकड़ के डाल लेंगे अच्छे से। इतना कुछ ले हुए है ना चावल या फिर दूध होता नहीं, खीर बना ली चावल बना ली, एक दिन खीर बना दी एक दिन चावल बना दी, ये होता है ये कर ले तो सराधा में तो ना फिर बनाना जरूर पड़े, कोई चीज वो नहीं बनाना पड़े बनाना पड़ेगा फिर, या तो फिर चावल बनाओ कढ़ी के साथ या फिर दाल के साथ या फिर खीर या फिर जो है होती हैं वे बनाओ, वे तोड़ नहीं रखे अब की बार नहीं तोड़ दे या तब की मम्मी अब की बार नहीं तोड़े, अब की बार नहीं पता नहीं क्यों नहीं तोड़े मम्मी ने नहीं तो ना। ये टिफिन हमारा 3 इंच अच्छा बड़ा है ढक्कन वाला, 4-5 किलो का भर दिया तब की तोड़ अब की बार नहीं मम्मी का मन नहीं होगा अब की बार या फिर थोड़ी देर में तो भी ठीक नहीं होती नहीं तो तोड़ दिया की बार तड़वाएंगे किसी से। तड़वा के भूंज के जब डब्बे में डालेंगे ऐसे एक पत्ती की मम्मी तोड़ के भूंज के डब्बा 2-3 किलो का पत्ती बना के 3-4 किलो भूंज के रख दिया अब की बार नहीं पता नहीं कि भी तेरे अच्छी दाम से लगाए बना पाए और नहीं डाल खाना फिर लेकर रोटी गन्ना गरम देसी खाना देसी लेना मजा आएगा नहीं बनाते चूल्हे पर ही बनाते इसके पापा नहीं होते दिन तो बेसिक बना दूँ और बारिश बारिश हो गए बस बना लूँ नहीं तो चूल्हे पर बनाते मम्मी भी खा लेती है जगह टुकड़िए नहीं खाती। चलो जी ठीक है मेरा बीत गया बिल्कुल, अब बना लूँ मैं खाना चूल्हे की रोटी जिसने खानी हो आ जाइयो ठीक है बाय, और मेरे चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो दबंग कुंभा ब्लॉग राम राम जी सबने बाय।